राजस्थान के हनुमानगढ़ जांच अधिकारी पर लगाए भारी भ्रष्टाचार के आरोप। मुख्य मुलजिम की गिरफ्तारी पर किसानों ने उठाया महापड़ाव। खबर राजस्थान के हनुमानगढ़ के नोहर की। अनाज मंडी नोहर में चना बीज घोटाले के मामले में नए जांच अधिकारी। पुलिस थाना रावतसर के थानाधिकारी अरुण चौधरी द्वारा मुख्य मुलजिम को गिरफ्तार करने के बाद किसानों ने पुलिस थाना नोहर के आगे लगाया महापड़ाव। नौवे दिन उठा लिया, साथ ही बीज वितरक समिति का लाइसेंस भी निलंबित कर दिया गया है। कॉमरेड मंगेज चौधरी ने कहा कि यह किसानों की जीत है, साथ ही कहा कि गलत जांच कर भारी भ्रष्टाचार कर पैसे खाकर मामले को रफादफा कर मुलजिमों को बचाने वाले जांच अधिकारी पुलिस थाना नोहर के थानाधिकारी के खिलाफ पुलिस के आला अधिकारियों को कार्यवाही करनी चाहिए। आपको बताते चले कि अनाज मंडी नोहर में हुए चने के प्रमाणित बीज घोटाले में प्रथम जांच अधिकारी ने कानून की कड़ी तोड़कर तीसरे पक्ष को गिरफ्तार कर फाइल में इतिश्री करने की कोशिश की थी, जिस पर किसानों ने थाने के आगे महापड़ाव डाल दिया था। आइए जानते हैं कॉमरेड मंगेज चौधरी ने क्या कहा। इंडिया न्यूज 28 के लिए ब्यूरो चीफ राकेश जैन की रिपोर्ट। करने के बारे में आप बताएं कि क्या नतीजा आया आज का, आपका क्या रिजल्ट रहा, पुलिस ने क्या कार्रवाई की? हमारा पिछले 9 दिनों से थाने के आगे पड़ाव चल रहा था, रात और दिन का। इस कड़कड़ाती ठंड में पूरे क्षेत्र के किसान यहाँ बैठे थे और आज जो दो मुलजिम है, इसके जो मुख्य आरोपी है, उनकी गिरफ्तारी हुई है। उनकी गिरफ्तारी के बाद हमारी दूसरी मांग ये थी कि जिस रामस्वरूप सारण को, जिसको आज से 7-8 दिन पहले गिरफ्तार किया था, उसकी जो फर्म है उसको सस्पेंड करो। तो आज उसको भी कृषि विभाग ने कल शाम को उसको सस्पेंड कर दिया है। हमारी दोनों मुख्य मांगे मान ली गई है और जिस प्रकार से नोर के थाने के तमाम अधिकारियों ने जिस प्रकार से पूरे मामले में भ्रष्टाचार किया, जिस प्रकार से पूरे मामले को दबाने का प्रयास किया, उसके बाद जाँच को रावतसर थानाधिकारी को दिया गया और रावतसर थानाधिकारी को देने के बाद में मुलजिमों की गिरफ्तारी हुई। एक मुलजिम को शायद सुरत से पकड़ा है, दूसरे को बीकानेर से पकड़ा है। दोनों मुलजिमों की गिरफ्तारी हो गई और जो चोर जिसकी जो समिति थी उसकी समिति को सस्पेंड कर दिया गया है और निश्चित रूप से किसानों के संघर्ष की, किसानों की लड़ाई की जीत है और नोर पुलिस प्रशासन के लिए शर्म की और डूब मरने की बात है कि इस कड़कड़ाते ठंड में 9 दिन किसानों को बैठे रहने के बाद मुलजिमों की गिरफ्तारी और गलत जाँच की गई है। उसके विषय में किसी जाँच अधिकारी के खिलाफ आपकी कोई विशेष मांग हो सरकार से? गलत जांच जिस प्रकार से की गई है उनके खिलाफ बिल्कुल पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए। जो आला अधिकारी है, जो जिले के ऐसे लोगों के खिलाफ, किसान के हक का सवाल था, किसान के हक पर डाका डाला गया था, उस मामले में अगर कोई अधिकारी पैसे लेकर के और पूरे मामले को रफा दफा करने का प्रयास कर रहे थे, तो बिल्कुल इस मामले में कार्रवाई होनी चाहिए ऐसे लोगों के खिलाफ, ताकि आगे से कोई इस प्रकार से कर नहीं पाए। दूसरी बात, इनकी गिरफ्तारी होने से फायदा ये हुआ है कि नोर तहसील के अंदर किसानों के हक पर कोई दूसरे की औकात नहीं होगी डाका डालने की। जब भी कोई डाका डालने का प्रयास करेगा, उससे पहले उसको जेल की सलाखें दिखेगी। धन्यवाद।